हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं चंद मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 26 अप्रैल 2021 की खबरें। तेलंगाना में 27 अप्रैल से 31 मई तक स्कूल्स और कॉलेजेस को मिली तातीलात। रियासती हुकूमत ने 27 अप्रैल से 31 मई स्कूल्स को और जूनियर कॉलेजेस के लिए तातीलात का ऐलान किया है। हैदराबाद में पोल्ट्री चिकन की कीमत में कमी, बैरूनी रियासत के लेबरों की अदम दस्तियाबी अहम वजह। हैदराबाद पोल्ट्री चिकन की कीमतों में अचानक कमी हो गई है। एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए की कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता इतवार तक शहर में पोल्ट्री चिकन फी किलो 200 से 220 रुपए फरोख्त हो रहा था, लेकिन गुज़िश्ता रोज से चिकन की कीमत 160 रुपए फी किलो पहुंच गई है और इतवार के दिन 150 रुपए भी फरोख्त हुआ। रियासत तेलंगाना में कोरोना से 38 लोगों की हुई मौत और 8126 नए मामलात हुए दर्ज। सेहतयाब होने वालों की बहसियत में मजमूमी तादाद 330304 हो गई। कोरोना से मुतासिर दुनिया में भी हर 17 घंटे में एक नया अरबपति बन रहा है। कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में फैल रही है, लेकिन दुनिया के अरबपति अफराद पर इसका असर नहीं हुआ और इनमें से कुछ की दौलत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। गुज़िश्ता एक साल के दौरान कम अज़ कम मजीद 493 लोग अरबपति शहरियों की फहरिस्त में शामिल हुए हैं। मलेरिया की मौसर वैक्सीन तैयार कर ली गई। मलेरिया हर साल लाखों अफराद बशमूल बच्चों की जान लेता है। साइंसदानों की तरफ से तैयार करदा मलेरिया की नई वैक्सीन की अफ्रीका में आजमाइश की गई और ये वैक्सीन इस मूजी मर्ज के खिलाफ काफ़ी मौसर साबित हुई है। मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी मलेरिया ने साल 2019 के दौरान पूरी दुनिया में 4 लाख से ज्यादा इंसानों की जानें ली, जिनमें से अक्सरियत बच्चों की थी। पाकिस्तान की जानिब से राहत की पेशकश। पाकिस्तान ने कोविड-19 की खतरनाक लहर से लड़ने वाले हिंदुस्तान की मदद के लिए वेंटिलेटर्स और दूसरी राहत फराहम करने की पेशकश की है और कहा है कि दोनों मुमालिक वबा से दरपेश चैलेंजों को कम करने के लिए मजीद ताउन की राहों का जायजा ले सकते हैं। पाकिस्तान के मशहूर फलाही इदारे एधी फाउंडेशन ने भी हिंदुस्तान को 25 एम्बुलेंस गाड़ियाँ और तिब्बी अमला फराहम करने की पेशकश की है। अमेरिका भी हिंदुस्तान की मदद करेगा। अमेरिका हिंदुस्तान को फौरी इजाफी मदद फराहम करेगा और अमेरिका के माहिरीन सेहत भी अपनी खिदमात पेश करेंगे ताकि मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में भारी इजाफे से निपटा जा सके। दिल्ली में लॉकडाउन में एक हफ्ते की तौसी। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जारी लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ते की तौसी का ऐलान किया और कहा कि कोविड-19 की सख्ती की जा रही है और मुस्बित आने की शरह गुज़िश्ता चंद दिनों में 36% रही। दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जो 3 मई की सुबह तक जारी रहेगा। तौसी से पहले उसे 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे खत्म होना था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम चंद दिन सूरत हाल पर नजर रखेंगे ताकि इस बात का जायजा लिए कि आया केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक हुक्म में लॉकडाउन में तौसी की हिदायत दी। इस मुद्दत के दौरान लाजमी खिदमात को इस्तेसना हासिल रहेगा। दूसरी लहर ने मुल्क को हिला दिया, नरेंद्र मोदी का बयान। तमाम अफराद टीका ले, मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम का खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर आवाम के सबर और दर्द का सामना करने की उनकी सलाहियत का इम्तिहान ले रही है। उन्होंने कहा कि इस तूफान ने मुल्क को हिला दिया, जो पहली लहर से कामयाबी से निपटने के बाद पुरजोश और पूरे एतमाद था। 551 मेडिकल प्लांट्स को मंजूरी, पीएम केयर्स फंड से रकम जारी की जाएगी। वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि कोविड-19 के केसों में इजाफे के दरमियान जिंदगी बचाने वाली गैस की दस्तियाबी को बेहतर बनाने के लिए पूरे मुल्क के सरकारी दवाखानों में 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स कायम किए जाएंगे। सऊदी अरब भी हिंदुस्तान की मदद करने तैयार। सऊदी अरब से 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रवाना। सऊदी अरब हिंदुस्तान को 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रवाना कर रहा है, जो कोरोना वायरस केसों में गैर मामूली इजाफे की वजह से सप्लाई के मसाइल से दोचार है। ये सप्लाई अदानी ग्रुप और लिंडे कंपनी के ताउन के जरिए भेजी जा रही है। एक हफ्ते के दौरान तेलंगाना में पॉजिटिव केसों की तादाद में दुगना इजाफा। मुस्बित शरह 7.48 तक पहुंच गई। एहतियात नहीं की गई तो दिल्ली जैसी सूरत हाल का अंदेशा। सिकंदराबाद स्टेशन पर मुहाजिर मजदूरों का अजदहाम। आबाई मुकामात पर जाने के लिए आम टिकट फराहम करने का मुतालबा। शेल्टर फराहम करने हाई कोर्ट की हिदायत। दीगर रियासतों से मुलाजिमत और रोजगार की तलाश में हैदराबाद आने वाले मजदूरों और वर्कर्स को एक मरतबा फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ गोशों से लॉकडाउन की अफवाहों को देखते हुए ये मुलाजमीन
और मजदूर अपने आबाई मुकामात पर वापस जाने के लिए परेशान हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इन मजदूरों की कतारें देखी जा रही हैं। कोरोना की वजह से रेलवे की जानिब से आम टिकट जारी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ रिजर्वेशन के जरिए ही ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को रिजर्वेशन हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए ये मजदूर रेलवे अहदेदारों से आम टिकट जारी करने और उन्हें उनके आबाई मुकामात पर जाने की सहूलत फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।